नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हर पार्टी की ओर से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार जीत उन्हीं की सुनिश्चित हो। लेकिन इन दिनों बयानबाजियां हो या फिर मुलाकातें हो, ये बयानबाजियां और मुलाकातें अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही मानी जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार बयानबाजियों का दौर भी बहुत तेजी के साथ आपने देखा होगा, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि लगातार जो अब नेता है उनकी मजबूरी है हर मुद्दे को लेकर खुलकर बात करने को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कन्नौज में पहुंचे एक शादी समारोह कार्यक्रम में। शादी समारोह कार्यक्रम में पहुंचे तो सही थे, लेकिन इस दौरान में कई पॉलिटिकल सवाल भी उनसे पूछ ले गए। पॉलिटिकल सवालों में सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात एक बड़ा खास विषय था। इसके अलावा उनकी खुद की बेटी और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। हाल ही में जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया उसको लेकर भी उनसे चर्चा हुई मीडिया कर्मियों की, और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी इस वक्त पृष्ठभूमि है उसको लेकर भी चर्चा हुई और उन्होंने हर सवाल का जवाब भी दिया। मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात के क्या मायने हैं। उनकी तरफ से इस सवाल को लेकर जवाब दिया जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात के कोई मायने नहीं है, बल्कि ये मुलाकात एक सामान्य मुलाकात है। इसके अलावा आपने भी पिछले कुछ दिनों में लगातार सुना होगा कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव को सपोर्ट कर सकती हैं विधानसभा चुनाव में। अब जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद में ममता बनर्जी का कद तो राजनीति में बढ़ा ही है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी वहां पर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां खेला हो गया और फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनी। तो ऐसे में उनकी अपनी जो भूमिका है, इस भूमिका को वो भी बखूबी मानते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि शीर्ष पर बैठे जो नेता होते हैं उनका अपना कद तो होता ही है, उनकी अपनी एक वैल्यू होती ही है। ऐसे में वो मानते हैं कि कहीं पर प्लस और माइनस जैसी सिचुएशन उनकी प्रेजेंस से जरूर हो सकती है। इसके अलावा उनके अपने विधायक सुरेंद्र सिंह का वो कॉन्ट्रोवर्शियल बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो शाहीन बाग की बात करते हैं उनके लिए शमशान घाट तैयार है, इस बयान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि हर पार्टी के अंदर कुछ तुनक मजाजी नेता होते हैं। ऐसे में सुरेंद्र सिंह के बयान को कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए और उनके इस बयान को दरकिनार कर देना चाहिए। अगर किसी के बयान को वैल्यू देनी है तो वह है खुद प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि पार्टी के नेता वो हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी कि ये दो बड़े नेता हैं जिनके बयानों की वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी किसी तरह की कोई बात कर रहा है तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सफाई में एक तरह से कहा। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है, अगर नेता बयान दे रहे हैं तो इस बात को कैसे दरकिनार किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, सड़कों को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। जो सड़कों पर गड्ढे, उन्होंने कहा कि जैसे बारिश पूर्ण रूप से खत्म होती है तो जो ये गड्ढों की मरम्मत है उसको भी बहुत जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जिस तरीके से एक घमासान सा छिड़ा हुआ है और लगातार क्लेम किया जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से कि उनकी देन है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उनकी देन है, और बसपा तो कहती है कि सारा विकास ही उनकी तरफ से किया गया है, यानी पूरा की पूरी जो एक विकास परियोजना है वो सिर्फ और सिर्फ बसपा की देन है और उन्हीं का ही दूरगामी एक प्लान था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो ये कहते नजर आते हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, हर सरकार के अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव की देन रहा हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बीजेपी की देन।